उमेश रेड्डी एक ऐसा इंसान जिसने लगभग 20 औरतों का रेप और 18 औरतों का मर्डर किया था और ये खुद अपनी जिंदगी में एक पुलिस वाला रह चुका था। ये शातिर इंसान घर की औरतों पर पूरा प्लान बनाकर अटैक करता था, सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जब कोई पुरुष घर पर ना हो। पानी मांगने या एड्रेस पूछने के बहाने से वो घर में घुस जाता था और उसके बाद बड़ी बेरहमी से वो उन औरतों पर अत्याचार करता था। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज। उमेश रेड्डी केस ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, खासकर बैंगलोर को। लोग घर के दरवाजे लोहे के बनवाने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि ये राक्षस उनके घर में ना घुस जाए। और इस खतरनाक सीरियल किलर की ऐसी ही घटनाओं के साथ नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा है इंडियन प्रेडेटर डॉक्यूमेंट्री सीरीज की चौथी सीरीज बीस्ट ऑफ बैंगलोर, जो 16 दिसंबर को रिलीज होगी। ट्रू फैक्ट्स एंड एक्यूरेट फिगर्स एक अच्छे डॉक्यूमेंट्री की पहचान है। द बुचर ऑफ दिल्ली, मर्डर इन अ कोर्ट रूम, द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर, ये इंडियन प्रेडेटर्स की 3 रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और बीस्ट ऑफ बैंगलोर भी इन सीरीज की लाइनअप में एक अच्छी सीरीज साबित होगी।